हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि हमें यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पे 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होगा, तभी दोस्तों आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होंगे, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक साल के अंदर ये दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता है, तभी आप दोस्तों अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो दोस्तों यहाँ पे अपना सब्सक्राइबर और वॉच टाइम दोनों ही पूरा कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो दोस्तों यहाँ पे साल भर में उन्हें 200-300 सब्सक्राइबर पूरे करने में दोस्तों यहाँ पे बहुत मेहनत कर देते हैं, लेकिन दोस्तों तब भी उनका जो वॉच टाइम है और सब्सक्राइबर है वो दोनों ही दोस्तों पूरा नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पैसा अगर खर्च करते हैं तो यहाँ पे आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर दोनों ही दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। मैं 100% दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूँ कि दोस्तों अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करते हैं यहाँ पे अपने वीडियो पे तो दोस्तों आपका जो वॉच टाइम है और सब्सक्राइबर दोनों ही दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करना है सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है, वीडियो को दोस्तों स्किप नहीं करना है। नहीं तो दोस्तों आपको वीडियो के अंत में दोस्तों मैंने क्या क्या बताया है, वीडियो के बीच में दोस्तों क्या क्या मैंने बताया है, सब कुछ दोस्तों आपको देख लेना है, तभी आप दोस्तों आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को सबसे पहले लास्ट तक देख लेना है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे अभी तक आपने भाई के चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और बाजू में नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। उससे पहले यहाँ पे दोस्तों और अगर वीडियो को पसंद आए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन में दोस्तों यहाँ पे, और वहाँ पे दोस्तों सब कुछ आपको बताऊंगा कैसे आपको वीडियो को प्रमोट करना है, कैसे दोस्तों यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। ये दोस्तों आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, अगर आपको मोबाइल वाला दोस्तों चाहिए तो आप हमें कमेंट में दोस्तों बता देना, मैं उसका भी दोस्तों वीडियो को लेकर आ जाऊंगा कि वीडियो यहाँ पे मोबाइल में कैसे प्रमोट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने पीसी की स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर में हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, अगर आप मोबाइल में हैं तो मोबाइल में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बेसिकली हम इस पर अपने क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों सर्च बार में आपको सर्च करना है गूगल एड्स, तो जैसे मैं लिखता हूँ गूगल एड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार से दोस्तों आपको भी लिखना है, यहाँ पे देख सकते हैं गूगल एड्स, इसको दोस्तों लिख के उसके बाद दोस्तों इंटर प्रेस कर देना है, नहीं तो आपको सिंपली सर्च कर देना है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ फर्स्ट वाले इस वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो चलिए यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन यहाँ पे देख सकते हैं एक गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है आपको 20,000 रुपये वाला दिख रहा है, अगर आप 20,000 रुपये इसमें गूगल एड्स में अगर आप ऐड के थ्रू मतलब आप 20,000 रुपये अगर इसका ऐड चला कर अगर पैसा को खर्च करते हैं अपना पैसा लगाकर, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो 20,000 हो यहाँ पे दोस्तों फिर से मिलेगा, ठीक है, गूगल एड्स की तरफ से 20,000 रुपये और आपको मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर उस पर अगर चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर दोस्तों क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गेट स्टार्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इसे स्किप कर देना है, ठीक है, इसे आपको स्किप वाले पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों गूगल एड्स से हमारा ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा दोस्तों वेट कर लेंगे, जिस प्रकार से दोस्तों आपका नेट चलता रहेगा उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक प्लस का एक आइकन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे प्लस वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन है, एक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें न्यू कैंपेन है, हमें न्यू वीडियो लेना है, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, ठीक है, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गाइड
गाइडेंस, तो इस पर हमें क्लिक करके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको वीडियो को आप उसको सिलेक्ट करना है कि ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हो तो वीडियो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, कंटिन्यू वाले पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको कैंपेन का नेम डालना है। ठीक है, सपोज डेट आप अपने वीडियो का टाइटल भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप अपने कैंपेन का नेम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, मैक्सिमम सीपीवी में आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम सीपीवी आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसका क्या होगा दोस्तों, आपका जितना भी पर क्लिप पे यहाँ पे अगर कोई भी एक क्लिक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो व्यूज है यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे आपका जो पैसा है वो कट जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम सीपीवी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अपना कितना पैसा खर्चा करना चाहते हैं, ठीक है, डेली का खर्चा करना है कि टोटल। ठीक है, तो बेसिकली आपको टोटल कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप जितना भी पैसा यहाँ पे खर्च करना चाहते हैं, तो सपोर्ट डेट जैसे मान लीजिए मैं 500 इस पर दोस्तों यहाँ पे खर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको ऐड चलाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट डालना है कि आपको इस कैंपेन को किस डेट से आप चलाना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से जैसे मैं यहाँ 25 तारीख से इस कैंपेन को दोस्तों रन करना चाहता हूँ। ठीक है, इस पे दोस्तों क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों कितने दिनों तक यहाँ पे कैंपेन को चलाना चाहते हैं। ठीक है, ये तो दोस्तों हो गया हमारा स्टार्टिंग टाइम। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्लिक करना है यहाँ पे कितने दिनों तक हमारा जो एक कैंपेन है वो रन करेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैक्सिमम आपको यहाँ पे 50 डेज यहाँ पे आपको कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 10 दिनों तक, यहाँ पे मैं 10 तारीख 10 जनवरी तक इसे मैं रन कराना चाहता हूँ। इस पे दोस्तों क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो टोटल कैंपेन है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 500 है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका डेली का जो बजट है यहाँ पे 29 रुपये 41 पैसे आपका डेली का जो बजट है यहाँ पे कटेगा। हमने 17 दिनों के लिए कैंपेन को दोस्तों रन किया हुआ है। ठीक है, तो मैक्सिमम दोस्तों आप अगर न्यू हैं तो यहाँ पे 17 दिनों तक, यहाँ पे 15 या 17 दिनों तक आपको कर देना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे। अब नीचे जाने के बाद दोस्तों हमें करना क्या होगा, यहाँ पे जो सिलेक्ट लोकेशन है टारगेट, यहाँ बेसिकली आपको इंडिया करना है। ठीक है, अदर कंट्री आपको नहीं करना है, क्योंकि हमें जो हमारा वीडियो है यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो अदर कंट्री पे यहाँ पे कोई भी नहीं देखेगा, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इंडिया ही सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाला यहाँ पे अब सिलेक्ट का यहाँ पे लैंग्वेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा बेसिकली वीडियो यहाँ पे हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, सॉरी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कि वीडियो को यहाँ पे अगर कुछ भी वीडियो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, अगर अदर कोई वीडियो, तो यहाँ पे दोस्तों ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं कोई वीडियो ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे भी आपको उसी अपने वीडियो का टाइटल यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आप डाल देना टाइटल को। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इस वाले पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बेसिकली यहाँ पे ये कह रहा है कि आप किस एज को, मतलब जो वीडियो है अपना उसे दिखाना चाहता है। तो बेसिकली दोस्तों हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा कोई, मतलब हमारा जो वीडियो है सब कोई भी देख सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी देख सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको सभी पे टिक कर देना है। ठीक है, किसी पे दोस्तों अनटिक नहीं करना है, सभी के पे टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम इसे ले लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस इस पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, या तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का आपको ऑप्शन दिख, यहाँ पे ब्राउज वाले पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे जाना है, उसके बाद आपको टेक्नोलॉजी यहाँ पे सर्च करना है, किस कैटेगरी को यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे चलाना चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी को सर्च कर लिए, यहाँ पे और सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऑडियंस को, मतलब किस तरीके का ऑडियंस के पास आप अपना वीडियो दोस्तों पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कोई भी वीडियो यहाँ पे सर्च करें उसके पास हमारा जो वीडियो है यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है,
तो यहाँ पे आप बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारा आपको दिया हुआ, तो सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं टेक्नोलॉजी को यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ इस प्रकार का दोस्तों ऑप्शन दिख रहा है। अब दोस्तों बेसिकली यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों है यहाँ पे कीवर्ड। अब दोस्तों यहाँ पे जो कोई भी यहाँ पे जो मान लीजिए सपोर्ट डेट मैंने सर्च किया प्योर टेबल कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब पर सर्च किया, तो दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वीडियो आ जाते हैं। तो बेसिकली ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका ये कीवर्ड ही है, कीवर्ड से ही आपका जो वीडियो है यहाँ पे सर्च में दोस्तों आता है। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम कीवर्ड डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड यहाँ पे दोस्तों नोटपैड में मैं ऑलरेडी मैं लिख के रखा हुआ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, उसके बाद दोस्तों इस कीवर्ड को यहाँ पे मैं सभी को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं सभी को इस कीवर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद दोस्तों अब हम लोग जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम इस कीवर्ड को दोस्तों यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस कीवर्ड को चलिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने कीवर्ड को पेस्ट कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे सर्च करके भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कीवर्ड को लिख लिया, ठीक है। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे ये वाला है, ठीक है, टॉपिक्स कि आप यहाँ पे किस टॉपिक पे यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद किससे रिलेटेड यहाँ पे आपका जो वीडियो है यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा देख लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर वाला वीडियो है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आपको सर्च कर देना है, यहाँ टेक्नोलॉजी पे आपको टिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन किस मतलब किस ऑडियंस के पास आपका जो वीडियो है यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है। बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे सिंपली अब यहाँ पे इस प्रकार से, तो दोस्तों यहाँ पे प्लेसमेंट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अपना जो वीडियो है, अब दोस्तों इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको YouTube वीडियो आपको लेना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे YouTube वीडियो को यहाँ पे प्रमोट करना चाहता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, YouTube वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम अपने वीडियो का लिंक यहाँ पे डालेंगे, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम अपने वीडियो का लिंक यहाँ पे कॉपी कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ। यूट्यूब सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसमें चला जाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम अपना वीडियो का यहाँ पे जो हमारा लिंक है वीडियो का यहाँ पे हम लोग लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा चैनल है, उसके बाद यहाँ से दोस्तों हम इसके लिंक को दोस्तों कॉपी करेंगे अपने चैनल को, ठीक है। तो ये वाला दोस्तों हमारा है यहाँ पे ये वाला, तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इसका जो लिंक है यहाँ पे वीडियो का लिंक है यहाँ पे कॉपी करेंगे, शेयर वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉपी वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब बेसिकली मैं जाता हूँ अपने इसमें। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसी को दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ का आपका जो वीडियो है यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली आपको ये वाला यहाँ पे इसी में दोस्तों कन्फ्यूजन थोड़ा सा होता है, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, इस वाले पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। अगर इस वाले पे टिक करते हैं तो कोई भी दोस्तों ऐड आ रहा है तो यहाँ पे दोस्तों क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप किसी के अगर कोई भी बंदा वीडियो को यहाँ पे चला रहा है, कोई भी वीडियो ओपन कर रहा है, अगर आपका वीडियो जो है ऐड आ रहा है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वो क्लोज कर सकता है, ठीक है। तो इस पर दोस्तों टिक नहीं करना है, इस पर आपको टिक करना है, ठीक है। इस पर टिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको वीडियो का टाइटल यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो सपोर्ट डैश मान लीजिए यहाँ पे हमारे वीडियो का टाइटल यही है, ठीक है, प्योर टेबल। तो यहाँ पे चलिए इसे हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख लिया, तो ये दोस्तों बेसिकली हमारा वीडियो का टाइटल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप कितना पैसा यहाँ पे लगाना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं 500 यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 500 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 500 यहाँ पैसा स्पेंड करना है, तो यहाँ पे मैं चलिए 500 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका व्यूज कितना आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको दिख रहा है कि व्यूज आपका कितना आएगा। व्यूज मतलब आपका जैसा भी वीडियो है उसी प्रकार से दोस्तों आपका व्यूज भी आएगा, ठीक है। इंप्रेशन आपका कितना जाएगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पैसा आपका कितना खर्च रहा है, पर CBV पे आपको कितना पैसा खर्च कर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना है क्या होगा, यहाँ पे कैंपियन वाले पे आपको क्रिएट यहाँ पे कैंपियन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोस्तों चेक कर लेना आपका जो कुछ भी नहीं कंप्लीट है तो यहाँ पे दोस्तों चेक कर लेना, ठीक है। एक बार आपको चेक कर लेना है तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली यहाँ पे कैंपियन का नेम यहाँ पे दोस्तों डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं चलिए कैंपियन का यहाँ पर नेम यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैंपियन का नेम यहाँ पे दोस्तों डाल दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वही नाम यहाँ पे थोड़ा सा बदल के यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो नाम है यहाँ पे थोड़ा सा डाल देना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं लिख देता हूँ ये वाला दोस्तों लिख दिया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या होगा, यहाँ पे अब हमें क्रिएट कैंपियन वाले पे दोस्तों हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ पे मैंने कुछ इसमें दोस्तों कुछ यहाँ पे मैंने गलती डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, अगर यहाँ पे दोस्तों कुछ भी यहाँ पे गलती रहेगा तो आपका दोस्तों ये जो क्यूआर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी यहाँ पे गलती है, कुछ मैंने इस प्रकार का दोस्तों लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ इस प्रकार का दोस्तों एरर अगर दिख रहा है तो आपने किसी ऐसे यूज या ऐसे वर्ड का दोस्तों आपने यूज किया होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर वर्ड भी आपको दिख रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपने अगर इसी एक और प्रकार से आपका एरर आ सकता है, जो आपने किसी भी कंपनी के जैसे यूज किया है, जैसे मान लीजिए सपोर्ट डेट यहाँ पे यूट्यूब हो गया, उसके बाद यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे गूगल एड्स गूगल हो गया, उसके बाद दोस्तों फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो इन जैसे दोस्तों नामों को यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरे प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन सेम टू सेम वैसे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका एरर आ सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट कैंपियन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद तो यहाँ पे क्रिएट कैंपियन वाले क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू कैंपियन वाले पे हमें क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं जो दोस्तों अभी हमारा कैंपियन है यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा कैंपियन जो दो दिनों तक यहाँ पे हमारा अब कंपेंडिंग रहेगा, ठीक है। तो दो दिनों तक यहाँ पे हमारा चेक होगा, उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो वीडियो है यहाँ प्रमोट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा वीडियो पे ऐड आएंगे, उसके बाद हमारा कितना पैसा कटा है और यहाँ पे दोस्तों कितना व्यूज पे कितना पैसा कटा है, पर सीवी पे कितना पैसा कटा है, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है पैसा ऐड करने के लिए, पैसा ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग वाले पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का दोस्तों स्टेप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है क्या होगा, बिलिंग वाले पे जाना है, बिलिंग वाले पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन, इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम लोग कुछ भी यहाँ पे अपना नाम ही जैसे सब सपोर्ट डेट यहाँ पे मैं अपने कैंपियन का ही नाम डाल देना हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप किस प्रकार से यहाँ पे पैसा को ऐड करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे पेटीएम वॉलेट भी आपका दिया है, उसके बाद ऐड क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे पैसा ऐड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा ऐड कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र के द्वारा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं पेटीएम वॉलेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उस नंबर को डालना है जो आपको यहाँ पे पेटीएम वॉलेट में दोस्तों डाले हुए हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। जैसे दोस्तों ये डालेंगे उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का दोस्तों इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सेंड कोड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके जिस भी मोबाइल नंबर से आपको इसे लिंक किया है उसके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो उस ओटीपी को दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर कर देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंटर कर दिया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एड्रेस वगैरह यहाँ पर दोस्तों डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, उसके बाद दूसरा एड्रेस सिटी आपको डालना है, और यहाँ पे पोस्टल कोड है, यहाँ पे पोस्टल कोड दोस्तों यहाँ पे जो आपका पिन कोड होता है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्टेट आपको सिलेक्ट करने लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे अपना कोड, ठीक है। मैं सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपने गांव का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, अपने सिटी का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एड्रेस डालेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट एड्रेस छोड़ देंगे, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग कितना पैसा को ऐड करना चाहते हैं, बेसिकली आपको ये डालना है, ठीक है। तो जैसे मैं 500 यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो टर्म्स एंड कंडीशन को दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट वाले पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, ठीक है। तो सेटिंग अप बिलिंग यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों आपका जो पेटीएम वॉलेट से है तो यहाँ पे दोस्तों 500 रुपये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले से यहाँ पे हमारा जो पैसा है यहाँ पे कट हो चुका है, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ देरी के बाद आपका जो पैसा है यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों घबराना नहीं, आपको यहाँ पे पैसा शो होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब हम दोस्तों बैक जाएंगे, इसमें बैक जाने के बाद दोस्तों फिर से आप थोड़ा सा देख लेना, नहीं तो कुछ देरी बाद है यहाँ पे आप देख लेना तो आपका जो पैसा है यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दोस्तों वेट करके आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो यहाँ पे कैंपेन है, इस प्रकार से दोस्तों प्रमोट कर सकते हैं अपना कैंपेन जो है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से दोस्तों प्रमोट करके आप व्यूज और सब्सक्राइबर सब कुछ यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर इसका भी दोस्तों पार्ट टू वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में पार्ट टू वीडियो आपको इसका लिख देना है, ठीक है। तो उसका मैं दोस्तों रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो जरा भी पसंद आए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं दोस्तों इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलता हूँ एक और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।